कामयाबी तो बाद इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे। आज मैं तेरे नाल शेयर करांगी इमरान खान दा ओहदे तो फारग होने तो बाद फनकारां दा की रद्दअमल सी। आज मैं तेरे नाल शेयर करदी हां उन्हां दे कुछ ट्वीट। सब तो पहले असीं गल करदे हां फरहान सईद दी के फरहान सईद ने अपने ट्वीट विच की किया। व्हाट हैपेंड टुडे इज सैड बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से टुडे स्टार्ट्स द रियल रेवोल्यूशन। यस It's much hotter than we thought it would be. But घबराना नहीं है। फरहान सईद ने ट्वीट किया, तुम कितने इमरान भेजोगे? हर घर से इमरान निकलेगा। आज जो कुछ भी हुआ अफसोसनाक था, लेकिन मेरा यकीन करें, आज से हकीकी इंकलाब शुरू हो रहा है। हाँ, ये इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जितना हमने सोचा था, लेकिन घबराना नहीं है। अदाकार माया अली ने ट्वीट किया कि उन्हें क्या के तहरीके अदम इत्माद पर वोटिंग के दिन पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक और स्याह तरीन दिन करार देते हुए कहा कि हमें सिर्फ सबर इतहाद और यकीन की जरूरत थी। हमने हीरा खो दिया, हमने एक सच्चे सियासतदान और ईमानदार वजीर आजम को खो दिया। मैं इमरान खान को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने पूरी कोशिश की और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए आखिरी दम तक लड़े। शुक्रिया कप्तान, मैं जानती हूँ कि आप ज्यादा मजबूत होकर वापस आएंगे। एक बार लीडर हमेशा लीडर होता है। इस तो बाद अदाकार हरीम फारूक ने किया कि पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक दिन, आज दिल बहुत भारी है लेकिन एक बेहतर कल की उम्मीद अभी भी जिंदा है। सैड 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 डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हार्ट इज हैवी टुनाइट बट होप इज स्टिल अलाइव फॉर अ बेटर टुमारो एंड दैट्स द पावर ऑफ इमरान खान। अगला ट्वीट किया शान ने, अदाकार शान ने इमरान खान दे नाल यकजहती दा इजहार की। शान शाहिद ने क्या कि इमरान खान बतौर वजीर आजम आपका सफर पहला मरहला था, लेकिन बतौर वजीर आजम आपका सफर अब शुरू हो चुका है। मुश्किलात आपके तमगे होंगे, इस कौम को आपकी जरूरत है। हिम्मत ना हारें, पाकिस्तान से दस्तबरदार ना हो। दिस नेशन नीड्स यू, डोंट गिव अप ऑन अस, डोंट गिव अप ऑन पाकिस्तान, डोंट गिव अप। अदाकार ज़ारा नूर अब्बास ने इमरान खान की इंस्टाग्राम पे तस्वीर शेयर की थी, नाल लिखा माय लीडर ऑलवेज एंड फॉरएवर। अदाकार बिलाल कुरैशी ने बड़े अफसोस का किया कि पाकिस्तान हार गया। इस तो बाद अदाकार समीना पीरजादा ने किया कि मेरे प्यारे कप्तान, आपको मजीद ताकत मिले, अगले इलेक्शन की तैयारी करें, अगले इलेक्शन की तैयारी करें, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा, घबराना नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। दो तहाई की अक्सरियत इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर है, हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। माय डियर कप्तान, मोर पावर टू यू, लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, आई स्टैंड विद यू, एब्सोल्युटली यस। इस तो बाद जैद अली ने क्या कि आज पाकिस्तानी तारीख दा इंतहाई अफसोसनाक दिन सी, हमने बतौर कौम अपना सबसे कीमती असासा खो दिया। मैं इमरान खान की जुरत को सलाम पेश करता हूँ जहाँ वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े। इमरान खान सच्चे चैंपियन और लीडर की मिसाल हैं। आपने बहुत अच्छा खेला कप्तान, वेरी गुड। इस तो बाद हिना ख्वाजा ने अपने वीडियो प्रोग्राम में इसकी, रमजान का महीना रहमत का महीना तो है, लेकिन अपने गुनाहों से तौबा करने और माफी मांगने का महीना भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ही कहते हैं कि जैसी कौम होगी वैसे ही हुक्मरान मैं तुम्हें दूंगा। तो क्या आज हम ऐसी कौम बन चुके हैं कि हमें ऐसे लीडर, ऐसे हुक्मरान मिले जो दुनिया भर में बदनाम है, उनको मिस्टर 10% कहा जाता है, उनके करप्शन के किस्से पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं और वो मुल्क की दौलत लूट कर बाहर भाग जाते हैं। हमने आज एक मुहिब्बे वतन ईमानदार लीडर खो दिया है जिसने करप्ट लोगों को NRO नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे दारों ने मिलकर उन्हें NRO दे दिया है। शायद आज आयत करीमा पढ़ने का दिन है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनस्वालिमीन।